अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक जादूगर के ऊपर शिकायत की गई। बड़ी अफसोस की बात है, हमारे शहर हैदराबाद में इस तरह के ढोंगी बाबा और जादुओं के नाम पर लोगों को लूटने वालों की तादाद बढ़ते जा रही है। हर जगह ये अड्डे बना के रखे हैं और कई लोग इनके झांसे में आ रहे हैं, अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये ढोंगी बाबा अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाते तो फिर सबसे पहले इनको फ़ायदा होता था, लेकिन ये लोग झूठे हैं। ये किसी का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ना इनके पास इतनी ताकत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धकते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूट मार करते हैं लोगों को। और ऐसे लोगों के चक्कर में कई हमारे नौजवान, कई हमारी माँ बहनें ऐसे लोगों के चक्कर में आते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से होशियार रहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का आपको नज़र आता है तो फौरन हमें इत्तला दें। आप और हम मिलकर ऐसे जो झूठ बोलकर अपनी दुकान चलाने वाले ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ हम मुहिम छेड़ें और इनको इनकी जो असली जगह है वहाँ तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये पुराने शहर में ही नहीं, नए शहर में भी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। हकीमपेट, टोली चौकी, खिला और ऐसे कई जगह हैं जहां पर ये लोग अपनी दुकानें लगाकर लोगों को लूट रहे हैं। बहरहाल, पुलिस में शिकायत की गई, एक भाई ने अपनी बहन पर जो जुल्म हो रहा है उसको देखते हुए ये शिकायत की। तकी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। ये पानी मिला रहा था शायद, उन्हें डाल के गरम गरम पानी डाल के मिला दे रहा था। हाँ अक्रम भाई, सो रहे हैं आप तो मजे में, समझे, पूरा मजे में सो रहे हैं आप। दुनिया पूरी उन्हें घर में आके मार दो जरा किसी के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, मेरा नाम आमिर बिन हामिद है, मैं कामाटीपुरा PS कमेली के रोड पर रहता हूँ। आज करीब 6 महीने 8 महीने से जो सो मार तोड़ करके बहन को मेरी खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली मारना, लेके जाना और गैर जरूरी टाचर करते करते बच्चों को जो सो अलग रख दिया। बहन को लाके यहाँ इलाज कराने के वास्ते, इलाज के नाम पे काला जादू, जबकि उसको पूरी वीक हो गई, दवाखाने को जाना करना है, उसके बजाय दवाखाने को नहीं ले जाके कि कौन से ज़माने में जी रहे हैं, इन्हों इलाज करा रहे हैं कहते, पूरा लाके नींबुआ, मुर्गी, काला खून और आपके मोमबत्ती, ये वो क्या क्या, ये गले सुबह जलाया तो शाम तक घर में नहीं रह सक रहे भाई। पूरा घर भर के मेरे को बीवी, बच्चे, भावाजा हैं, ये मेरे को 5 बहना है, ये एक ही है, दूसरे बहना मज़े में, सुकून में अपनी जगह है, ये इन्हें इतनी जुल्म ज़्यादती कर दे रहा है, कुछ हद से ज़्यादा वो उन्हें कर सकते। और जाते PS को कंप्लेंट कर दे, शादी हो गया करीब 13 साल होगा भाई, 13-14 साल की शादी है, 10-10, 12-12, 13-13 साल के बच्चे है, बच्चों को उधर रख दिया। मुबीन बिन अहमद है, मैकेनिक है उन्होंने। नहीं नहीं, ये आज 4-5 दिन से इलाज चल रहा, हम लोग आए क्या करें बोले तो, नहीं कुछ भी नहीं है घर में, ऐसा दवाखाने को लेकर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बल्कि लाके ये इलाज शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी कामाटीपुरा कमेला तैयबा फंक्शनल रोड, हमारे भौने मेरी बहन के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर, ताकि उनका मकसद यही है कि इन्हें जल्द से जल्द मर जाना और दूसरी शादी कर लेना। हाँ, दूसरी इन्हें मर जाना, इन्हें ख़त्म हो जाना, दूसरी फिर मैं नई शादी करूँगा। 3 बच्चे हैं इसको, ना इन्हें घर में खाने को कुछ देता, ना पानी को देता कुछ, ना आप जाके मेरे नवाब साहब गुड्डे में इसका घर है, वेरीफाई कर लीजिए कि मकानदार के सामने 360 बार मार के उसको घर में किराया तक नहीं दे सक रहा, तो वो मकानदार भी खाली कर दो भरें। तो वालिद साहब बोले करीब में मैं तुम्हारे को रूम ला के रख लेता हूँ, बोले तो बच्चों को, हमारी बेटी को छोड़ डालो, वो तो नहीं छोड़ के इन्हें जो सो ये इलाज ला के हमारे घर में करा रहा साहब, पूरे पूरे चीज़ें हैं, वो लोग भी जब्त करे लाए, PS में लेके आए, 2 जने हैं जी, हो 2 जने हैं लेके आए, और इंतहाई खतरनाक, उससे अगर अच्छा आदमी भी रहा तो मर जाता। आप पकड़ के दिया पुलिस वालों को? नहीं, मैं खुद इंफॉर्मेशन करा पुलिस वालों को करके, ऐसा हो रहा साहब आप आइए, बोल तो पुलिस इमीडिएटली आई। हाँ, बहन के ऊपर, मेरी बहन जी, हो उनकी बीवी होना, आई ना रिस्पॉन्स आए, पुलिस वाले आके अरेस्ट करके लेके आए अंदर PS में, वो उन लोगों के नाम आओ इलाज करें सर, बुड्ढा है उन्हें आखिरी, वो है बुड्ढा, नींबुआ, पूरी मुर्गी, छुरी, पानी, सो पूरा सामान लाए हुए ना, क्या क्या की गलीजात पूरे लाए हुए ना। कहाँ चल रहा था ये? यहाँ कमेले के पास की रोड, तैयबा फंक्शन हॉल के बाजू।